हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है अगेन बहुत ही प्यारा मीशो साड़ी हॉल होने वाला। आज के हॉल में मैं आप लोग के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी शेयर करने वाली हूँ। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से इजीली आप इन सबको बाय कर सकते हो। और ये सभी मेरे पास भी रिसेलिंग प्राइस में अवेलेबल हैं, तो जो भी रिसेलिंग प्राइस होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और जो भी मीशो से काफी कम प्राइस होने वाला है, इंस्टा पे मुझे मैसेज करके डायरेक्ट DM करके आप इसको ऑनलाइन पेमेंट करके बाय कर सकते हो और विदिन 7 डेज में आपके घर पहुंच जाता है। और मीशो से अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजीली आप वहां से ले सकते हो। स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट साड़ी से जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है। फर्स्ट साड़ी है ये जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। पिक में जब मैंने देखी थी तो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतनी प्यारी साड़ी रिसीव होगी, बट ये जब मुझे रिसीव हुई तो मुझे इतनी अच्छी लगी ना, बहुत ज्यादा, मतलब पिक से बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी मुझे रिसीव हुई है। सीफॉन फैब्रिक में है एंड इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है। इस तरह की एक साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी, उसका फैब्रिक था ऐसा और वो 2000 के आसपास थी, मतलब बहुत अच्छा फैब्रिक। सेम फैब्रिक इसका है लेकिन उसकी डिजाइनिंग में डिफरेंस था, इसकी डिजाइनिंग में डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी इस साड़ी की बहुत ज्यादा अच्छी है। हाईली रिकमेंड पीस है ये और आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो अगर आपको पसंद आता है तो तुरंत आप इसको ऑर्डर कर दीजिएगा। कलर ऑप्शन इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसका जो फैब्रिक है सीफॉन है एंड आप देखोगे इसमें हल्की सी ना शाइन है, इस तरह से इसमें हल्का सा शाइन वाला धागा जा रहा है सेम कलर का, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसे करने पे आपको ये नजर आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हल्की सी शाइन है और सीफोन वाला फैब्रिक है। बाकी पूरी साड़ी पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत नीट एंड क्लीन है। ये सारी धागे की एम्ब्रॉयडरी है, ये जरी की है एंड इस तरह की क्वालिटी मीशो पे नहीं मिलती है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है मीशो पे, नहीं तो मतलब थोड़ी ना रफ क्वालिटी, जो रफ एम्ब्रॉयडरी होते है उस तरह की मिलती है। तो ये इस फर्स्ट पीस मुझे ऐसा मिला है कि जो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मीशो की एम्ब्रॉयडरी है, मतलब मीशो की क्वालिटी है। इस तरह की बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वर्क किया गया है। ये सारा रियल स्टोन का वर्क है, ये सारा रियल स्टोन है, ये सारा जरी का वर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ है। और ये जो कलरफुल है ये धागा है, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क किया गया है। एंड ये वाले डिजाइन ना पूरी ही साड़ी पे आपको इस तरह से मिलेंगे। बहुत लाइट वेट साड़ी है। किनारी पे आप देखोगे ये पाइपिंग लगी हुई है और ये पूरा स्टोन का वर्क है और ये सारा ना रियल स्टोन है। और वियर करने के बाद ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। ऊपर से इसका कलर इतना प्यारा है ना, डार्क कलर है तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसको इजिली वियर कर सकते हो। और इसके साथ ना दो तीन तरह के ब्लाउज आप वेयर कर सकते हो, गोल्डन वेयर कर सकते हो एंड येलो और पिंक, तो इसके साथ बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। अगर आप इसको बहुत ही प्यारा सा लुक देना चाहते हो तो येलो या फिर पिंक कलर का ब्लाउज वेयर कीजिए और इस साड़ी का लुक देखिए आप, बहुत ही प्यारा आएगा। तो ओवरऑल साड़ी इस तरह की आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना हल्की सी बॉर्डर कुछ क्रिएट करा गया है, ये साटन पट्टी है इस तरह से और ये भी लाइनिंग है, ये यहाँ तक इस तरह से बॉर्डर क्रिएट करा गया है एक इस तरह से, तो बहुत प्यारा लग रहा है। पल्लू पोर्शन के साइड इस तरह से मिलेगा और इसमें ये टसल्स लगी हुई है, जो कि एक टसल टूटी हुई है यहाँ पे, बाकी ये टसल्स यहाँ पे लगी हुई है इस तरह से। पल्लू पे 4 टसल्स लगी हुई है, जिसमें से एक मुझे टूटी हुई मिली है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको टूटी हुई मिले। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी साड़ी है, एक हाईली रिकमेंड पीस है ये। ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है क्योंकि इसकी क्वालिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए आप बहुत जल्दी ले लीजिएगा क्योंकि ये जल्दी से मुझे नहीं लगता, मतलब इस तरह की मीशो पर साड़ियां मिलती हैं। बेस्ट क्वालिटी की साड़ी एंड प्राइस बहुत सही है, तो ये हाईली रिकमेंड पीस है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके ब्लाउज की मैं बात करूँ तो ब्लाउज कुछ इस तरह का इसके साथ मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज का पीस है, ये आप देखोगे इस तरह से। इसमें गोल्डन और सेम कलर जो साड़ी का कलर है वो दोनों कलर हैं। 80 सेंटीमीटर है एंड फैब्रिक बहुत अच्छा वाला है। इसमें ना गोल्डन लाइनिंग आ रही है इस तरह से, लाइनिंग में है। और किनारी पे आप देखोगे हल्का सा ना ये स्लीव्स पे लगाने के लिए ना स्टोन वर्क भी किया गया है। तो ये ब्लाउज भी आप बनवा सकते हो। और अगर इसको अच्छा सा लुक देना चाहते हो ना इस साड़ी को, तो आप पिंक और येलो ब्लाउज के साथ वेयर कीजिए, ये बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। नेक्स्ट साड़ी जो है हमारी ये है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा प्यारी है और ये टीचिंग अगर आप करते हो या ऑफिस वगैरह में कभी आपको वेयर करनी है, आपको किसी को भी गिफ्ट करनी है, उसके पर्पज से भी बहुत ज़्यादा प्यारी है एंड आप खुद भी वेयर कर सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत ही प्यारा सा पीस है। ये जो है कॉटन सिल्क में साड़ी है, इसमें कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आई थिंक 3-4 कलर हैं और बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। जब आप वेयर करोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, लाइक टीचिंग वगैरह आप करते हो ना तो ये परफेक्ट पीस है और वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। लुक वाइज इतनी अच्छी है, वेयर करने के बाद बहुत प्यारी लगने वाली है। जब आप सेम ब्लाउज़ के साथ वेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। ये आप देखो कुछ इस तरह की साड़ी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। सारा ही विविंग का वर्क है इस पर एंड क्वालिटी सुपर्ब दी हुई है। कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, वैसे इसमें सारे ही कलर बहुत प्यारे हैं लेकिन मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। किनारी पे ऊपर और नीचे सेम बॉर्डर आपको मिलेगा, इस तरह का ही बॉर्डर ऊपर है और सेम ही बॉर्डर आपको नीचे मिल जाता है इस तरह का, और बीच में पूरी पे ये इस तरह का डिजाइनिंग है जो कि विविंग वर्क है गोल्डन कलर से। तो बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लीट्स वगैरह जब आप बनाओगे ना तो सेम जैसे बनाओगे वो बहुत अच्छे से बन जाएंगी एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है ये साड़ी, तो इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। बैक से भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इस पे वर्क है, कहीं भी फंसने वाला नहीं है। अब इसका पल्लू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि सेम इसी तरह का है लेकिन थोड़ा हैवी से वर्क में है। कुछ इस तरह का इसका पल्लू पोर्शन मिलेगा जो कि बहुत ही प्यारा सा है। साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है और हाईली रिकमेंड पीस है ये, क्वालिटी सुपर्ब है। जब आप मंगाओगे ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका जो ब्लाउज है वो इसी में मिलेगा अंदर के साइड इस तरह से, और कुछ बूटी वाला डिजाइनिंग बनाया गया है इस तरह से। ये भी विविंग वर्क है, 1 मीटर ब्लाउज का फैब्रिक है तो इजीली आपका ब्लाउज बन जाएगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड एक हाईली रिकमेंड पीस है। आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उससे पहले ले लीजिएगा, क्योंकि मीशो पे बहुत जल्दी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है एक कुर्ता सरारा का सेट। ये भी मुझे इतना प्यारा रिसीव हुआ है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। ये है इस तरह का जो कुर्ता एंड प्लाजो का सेट, मैक्सिमम मैंने देखा है वो 2000 के आसपास मिलता है, लेकिन ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिला। और मुझे सच में जब मिला ना तो मुझे लगा कि मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का इस प्राइस में मिल रहा है तो ये बेस्ट डील है। इसमें 3 पीस में आपको मिलेगा। ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा है, प्लाजो है, सॉरी सरारा और कुर्ती। तो ये सब फर्स्ट मैं आपको इसकी कुर्ती दिखाती हूँ जो कि इस तरह की है। ये आप देखो कितना अच्छा लेस वर्क है पूरी ही साड़ी पे ऊपर से। पहले तो ये जो प्रिंटेड है बांधनी प्रिंट में है, ये पूरी कुर्ती और प्लाजो सब कुछ ना बांधनी प्रिंट में है। और ये सारा प्रिंट जो है हटने वाला प्रिंट नहीं है, सिर्फ ये हल्का सा गोल्डन जो प्रिंट है ये ऊपर से है, बाकी सारा प्रिंट हटने वाला नहीं है, अंदर से ही है, क्लॉथ में ही, फैब्रिक में ही है। तो ये बहुत ही प्यारा सा बांधनी प्रिंट में है। इसमें कलर ऑप्शन 2 है, आई थिंक रेड और ग्रीन। मैंने ग्रीन लिया है क्योंकि रेड मेरे पास बहुत सारे हो रहे हैं तो इस वजह से। और ये जो कुर्ती है फ्रंट से अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस पर कितना हैवी वर्क है। ये आप देखो इस तरह से, ये कितनी प्यारी सा नीट एंड क्लीन वर्क किया गया है। ये सारा लेस वर्क है इसके ऊपर से, बहुत ही हैवी पार्टी वियर पीस है ये इस तरह से। बस इसमें ना साइज जो है मैंने एल मंगाया, मतलब इसमें एल ही साइज था, आई थिंक एम और एल। तो मुझे जो है स्मॉल साइज आता है तो मुझे परफेक्ट नहीं आया है, लेकिन मैं उसकी फिटिंग करा लूँगी। मुझे इतना पसंद आया है कि मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। मुझे बहुत लूज है लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना। आप देखो पूरे हैवी वर्क है एंड सच में इस तरह के जो अगर आप प्लाजो वगैरह सरारा सेट लेने जाओगे ना 2000 के आसपास ही आपको मिलेंगे। नीचे से इस तरह से कुछ इस तरह से आप देखो ये पूरी पे लेस वर्क हो रखा है एंड लेस वगैरह भी ना बहुत अच्छी सी लगाई गई है, हैवी वर्क किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बैक से मैं बात करूँ तो बैक से इस तरह का है ये आप देखो, और नीचे से इस तरह का है। नीचे ये लेस लगी हुई है पूरे चाक पे। और स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको अंदर स्लीव्स मिल जाती हैं और इसका फैब्रिक जो है ना रियॉन फैब्रिक है तो कंफर्टेबल है। समर और विंटर दोनों में आप इसको वेयर कर सकते हो। स्लीव्स के लिए अंदर आपको फैब्रिक मिल जाता है जो कि आप इतनी वाली स्लीव्स आपको मिलेंगी, जो यहाँ तक स्लीव्स आएंगी ना उतना फैब्रिक इसके साथ दिया हुआ है। तो आप चाहो तो स्लीव्स भी लगवा सकते हो, वो भी इशू नहीं है। और अच्छा खासा फैब्रिक दिया हुआ है, फैब्रिक भी नहीं पूरी स्लीव्स कट करके दी हुई है तो इजीली आप इसके साथ अटैच करा सकते हो। इसके साथ एक पोटली भी आपको मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और यह इसको एक डिफरेंट सा लुक दे देगी जब आप इसके साथ इसको लोगे। इसका जो सरारा है वो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि अगेन बहुत हैवी सा और बहुत प्यारा सा दिया हुआ है। ऊपर से कुछ इस तरह से दोनों साइड इलास्टिक है और यहाँ तक इस तरह से इस वाले फैब्रिक का आपको मिलेगा। और उसके नीचे आप देखो कितनी चौड़ाई के साथ इसका फ्लेयर बनाया गया है, ये आप देखो इतनी चौड़ाई है इसकी सबसे नीचे से, जो कि आई थिंक 1 मीटर से भी ज्यादा है। हाँ, 1 मीटर से ज्यादा इसका फ्लेयर दिया हुआ है, ये आप देखो इतना फ्लेयर है पूरा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ये ना काफी सारी लेयर के साथ बनाया गया है, एक लेयर ये है, दूसरी ये है, उस पर भी गोटा पट्टी का वर्क किया गया है, 3 लेयर ये है और 1 लेयर ये है। और इसके नीचे भी ना ये डबल लेयर है, आप देखो इस तरह से ये डबल लेयर करके बनाया गया। तो बहुत ही हैवी सा सरारा है, बाकी क्लियर हो जाएगा आपको ट्राई ऑन में। वैसे इसकी फिटिंग नहीं है तो आपको परफेक्ट लुक नहीं आएगा, लेकिन ये सरारा सेट बहुत ज्यादा प्यारा है, ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है। अब इसका दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि नेट में नहीं है, मुझे नेट में दुपट्टे कम पसंद है। इसका जो दुपट्टा है ऑर्गेन्जा में है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। और ऑर्गेन्जा भी ना बहुत ज्यादा खड़ा वाला नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल वाला है, जो कि बेस्ट क्वालिटी है इसकी। ये दुपट्टे पे पूरे पे इस तरह से ये बॉर्डर क्रिएट करा गया है, जो कि चारों साइड है इस तरह से। और ना बीच में से दुपट्टा इस तरह से शेडेड मिलेगा, 2 शेड में, एक और 2 कलर में इस तरह से पूरा दुपट्टा है। अच्छी लंबाई चौड़ाई के साथ मिलता है, चारों साइड इस तरह से ये टसल्स मिलती हैं, जो कि इस तरह की टसल्स है, चारों कोने पे मिल जाएंगी दुपट्टे के। और बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है, वेयर करने के बाद किस तरह का लग रहा है वो आप देख सकते हो। और लास्ट पीस है हमारा, ये लास्ट नहीं है, अभी एक और है, ये है। आप ना गर्लिश लुक में अगर कोई साड़ी चाहते हो ना, क्रश साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, और आप वुमेन हो वो भी पहन सकते हो, लेकिन गर्ल्स अगर फेयरवेल वगैरह के लिए कोई साड़ी ढूंढ रही है तो ये बेस्ट पीस है। और वैसे तो आप पहन ही सकते हो, ये इस तरह की साड़ी है। वैसे जो इसके शेड दिखा रहे थे ना, उसमें मतलब दिखाए गए थे वो थोड़े और डार्क थे, लेकिन ये भी डार्क है, लाइट नहीं है, लेकिन उतने डार्क नहीं है जितने पिक में दिख रहे थे। तो ये कुछ ना इस तरह से 4 शेड में साड़ी मिलेगी, पिंक, वाइट और येलो और ये पैरेट ग्रीन कलर, इस तरह से। तो ये साड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, क्रश साड़ी है, जो क्रश वाली होती है ना इस तरह से, जिसमें सलवटे सलवटे होती है उस तरह की, वो भी छोटी छोटी प्लीट्स वाली जो सलवटे होती है वो है। और ओवरऑल साड़ी इसी तरह की है। तो इस तरह की साड़ी बेल्ट वगैरह के साथ जब आप वेयर करोगे तो ये बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। मैंने येलो ब्लाउज के साथ वेयर की थी और ब्लैक कलर की बेल्ट लगा के, तो इसका लुक बहुत अच्छा आया था। तो इस तरह की साड़ियां जब भी आप वेयर करो ना, तो बेल्ट वगैरह के साथ वेयर करो, उसके साथ इनका लुक बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये सिंपल सी साड़ी होती है तो इनको एक डिफरेंट सा लुक मिल जाता है। तो ये साड़ी ओवरऑल इसी तरह की है। इसमें पल्लू पोर्शन वगैरह अलग से नहीं आते हैं, इनमें यही पल्लू पोर्शन आते हैं। इनकी इसकी लेंथ वगैरह बिल्कुल सही है, तो आप इसको ले सकते हो, बहुत ही प्यारा सा पीस है। और इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक मिलेगा वो इसके मैचिंग मिलेगा। वैसे आप चाहो तो किसी भी कलर का इसके साथ ब्लाउज वेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी सारे कलर हैं, और ब्लैक भी वेयर कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा इसके साथ। और अच्छी सी साड़ी है। इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक दिया गया है साटन में दिया हुआ है, जो कि है 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है, आई थिंक, एक सेकेंड, ये हाँ 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है। और ये साटन का फैब्रिक मिलेगा, तो आप चाहो तो इसको बनवा सकते हो, और अच्छा लगेगा जब इसके साथ बन जाएगा ना ये, मतलब अच्छे से विदाउट स्लीव्स बनवा के आप वेयर करोगे तो ये बहुत अच्छा लुक आएगा, अच्छे से ब्लाउज बनवा लोगे। ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी सी है एंड हाईली रिकमेंड, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये कैप, और ये इस तरह का, ये जो नेक में पहना जाता है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। और ये कैप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्यों पसंद आया? क्योंकि मेरे पास ना, मुझे ना जो लूज वाले कैप होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जो बहुत टाइट ना हो सर पे, वो वाला कैप चाहिए था, जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। पहले मेरे पास उस तरह का एक कैप था जो कि मैं बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, लेकिन ना उसके बाद मैंने 2-3 कैप लिए जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है ना, वो वाले कैप मैं वेयर नहीं कर पाती हूँ। तो ये मुझे मीशो पर दिखा और मुझे लगा कि ये वही वाले वूल का है। इस तरह का जो वूल होता है ना, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इस तरह से जो मोटी मोटी बुनावट का होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये क्या होता है, मतलब सर में बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ये मुझे दिखा, एंड ये दोनों का कॉम्बो था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एंड ये वेयर करने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऊपर इस तरह से ये इसके साथ ये है, ये इस तरह से सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है ये, लाइक आपको सर पे ना टाइट फील नहीं होगा। अगर आपको भी इस तरह की कैप पसंद है ना तो आप ले सकते हो। ये इस तरह से यहाँ पे टैग लगा हुआ है, थोड़ा लंबा सा है, भी मैं वेयर करके बता दूंगी। काफी वार्म है और इसमें ना अंदर इस तरह से ये लगा हुआ है तो इसकी वजह से ये काफी वार्म है। और ऊपर इस तरह से ये ऊपर नीचे है और यहाँ पे ये आ रहा है तो काफी वार्म है। ऐसा नहीं कि लूज वाला है तो वार्म नहीं करेगा, लेकिन बहुत अच्छे से वार्म करेगा। कलर ऑप्शन इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे और ये इसके साथ ये है। लेकिन इसमें ना जब दिखाया था ना तो मुझे ये ना ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक ही नजर आ रहा था, मतलब तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा ब्लैक होता ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, एंड पिक में ये ब्लैक ही दिखाया गया था। लेकिन जो मुझे रिसीव हुआ ये ना ये ऑफ वाइट पिंक सा कलर है ना, वो वाले कलर की ये इधर ये बॉर्डर, दोनों साइड बॉर्डर है ये, तो ये थोड़ा अलग लग रहा है बट प्यारा लग रहा है। ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये पिक से इतना डिफरेंट है कि इसमें ये ब्लैक ही शो हो रहा था, लेकिन इसमें ये इस कलर का मिला है तो बहुत ही प्यारा सा। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और उसके बाद मैं ना पहले 2-3 कैप ले चुकी हूँ, जो मैं वेयर करती हूँ ना तो मेरे को इतनी टाइटनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ना तो मैं नहीं पहन पाती हूँ। मैं अपना बहुत पुराना वाला ही कैप पहनती थी, बट अभी मुझे सच में सेम मिल गया वो सॉफ्ट वाले उसका, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है ना तो आप इस वाले कैप को ट्राई कर सकते हो। ये सिंगल में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं इसके साथ ही लेना है, लेकिन ये मैंने लिया क्योंकि जो बड़े गले होते हैं ना उनके साथ यहाँ पे ठंड नहीं लगती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा पीस है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हो। मिलूंगी आपसे एक बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आए तो। मिलूंगी आपसे एक बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।